नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। इंदौर में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय द्वारा किन्नर समाज वृद्ध आश्रम के बुजुर्ग सहित अनाथ आश्रम के बच्चों के साथ द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखने पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने 1990 की त्रासदी को समाज के बीच में रखने की बात की सराहना करते हुए कांग्रेस पर भी कटाक्ष किया। इंदौर सहित प्रदेश और देश में पिछले दिनों रिलीज हुई द कश्मीर फाइल्स फिल्म काफी राजनीतिक गर्माती हुई नजर आ रही है। इसी कड़ी में शहर में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय द्वारा किन्नर समाज वृद्ध आश्रम के बुजुर्ग सहित अनाथ आश्रम के बच्चों के साथ द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखने पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये मेरा पूरा परिवार है, हम सभी त्यौहार इनके साथ बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं और आज इसी कारण से ये फिल्म देखने भी आया हूँ। तो वहीं फिल्म को लेकर उनका कहना था कि जो भी लोग इसके बारे में कुछ बोल रहे हैं उन्हें बोलने दीजिए, बोलने की सबको आज़ादी है, लेकिन कांग्रेस के लोग ये फिल्म देखकर जा रहे हैं और कोने में जाकर इस फिल्म की काफ़ी बढ़ाई भी कर रहे हैं, लेकिन सामने खुले मंच पर इसकी बढ़ाई नहीं कर रहे हैं। हमें राजनीति से उठकर देश हित में कार्य करने की आवश्यकता है। हमें फिल्म बनाने वालों की और समर्थन करना चाहिए। अभी कश्मीर से 370 धारा हटी है क्योंकि 70 साल से वहाँ पर नासूर की तरह थी। अब हालात सामान्य हो रहे हैं। जो भी देश के हित में होगा वो भविष्य में सुनिश्चित होगा। कश्मीर फाइल फिल्म है, ये लोग आप देखने आए हैं। हाँ। क्या सुना था इसके बारे में और क्या कहना चाहेंगे? हमने तो देखो कुछ सुना भी नहीं और खुद देखा भी नहीं, हमें पता भी नहीं कौन सी फिल्म है। हमें दादा ने इनवाइट किया तो हम आए हैं उनकी खुशी के लिए। कुछ जानकारी है फिल्म के बारे में? नहीं, हमें कुछ नहीं पता है। आप देखेंगे तो उसके बाद पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। क्या कितने लोग आए? हम लोग करीबन 100-150-200 लोग के करीबन होंगे। किस तरह की दुआएं दी आपने फिल्म निर्माता को आज फोन पर जब वो वीडियो कॉलिंग पर देखा? हमने ये बोले कि आपकी पिक्चर हिट हो, अब कोई आता ही विषय लेके तो अब उसे नहीं तो नहीं बोल सकते ना भैया। अब आप लोग भी हमारे को बोलेंगे तो हम भी आपके लिए यही दुआएं प्रार्थना करेंगे कि आपका चैनल खूब चले। कश्मीरी विस्थापितों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो लोग वहाँ से पकड़ दिए गए जिनको लेकर फिल्म बनी? हमें ये सब नहीं पता है भैया। फिल्म देखने के बाद हमें पता चलेगा क्या है क्या नहीं, फिर हम बोलते हैं। अच्छा, धन्यवाद, खुशी। चर्चाएं हैं विवेक भाई, ये देखिए पूरा किन्नर समाज। हेलो, नमस्ते। नमस्ते, कैसे हो? पूरा किन्नर समाज है विवेक भाई, इंदौर का पूरा किन्नर समाज। अरे वो डायरेक्टर हैं जिन्होंने पिक्चर बनाई है। अरे वो और से सोशल मीडिया पर बात करें, काफी लोगों का रोष भी इसके लिए सामने आ रहा है। नहीं, मैंने भी देखा वो वीडियो, भगवान राम का मंदिर है, वहाँ पर राम दरबार है और कांग्रेस की सरकार ये तुष्टिकरण की नीति की जो मानसिकता उसके कारण इस प्रकार की घटनाएं होती है। हम राजस्थान सरकार के इस कृत्य की निंदा करें। राइजिंग की कश्मीर फाइल को लेकर दो मत है, कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं, कांग्रेस भी उन लोगों को सपोर्ट कर रही है। वो मुस्लिम नरसंहार पे भी बनना चाहिए, मुस्लिम समाज कोई कीड़े नहीं है और किताब लिखने की पहले बात कर चुके हैं और ऐसा उनका बयान फिलहाल जो ताज़ा बयान हुए सामने आया। नहीं, देखिए ऐसा है कि सोचने की बोलने की स्वतंत्रता है इस देश में, पर किस बात पर फिल्म बनाना है वो मैटर बना दें और निश्चित रूप से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस पर भी फिल्म बना सकते हैं, तो इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। हमारे यहाँ बोलने की स्वतंत्रता है, पर एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि देश हित किस में है उसकी चिंता करना चाहिए, बाकी सब ठीक। राजस्थान सरकार में जो है राम द्वारे देश में और राष्ट्रीय स्तर पर भी इस फिल्म को लेकर चर्चा है। देखिए, हम जिन परिवारों के साथ दिवाली मनाते हैं, रक्षाबंधन मनाते हैं, वे सब अनाथ आश्रम के बच्चे हैं और वृद्धाश्रम के बच्चे हैं। हमारी किन्नर समाज है पूरा, ये हमेशा हमारे परिवार के लोग हैं, इनके साथ हम सारे त्यौहार मनाते हैं। यहाँ से सबकी इच्छा हुई थी कि फिल्म देखें, तो मैंने आकाश जी से कहा कि टॉकीज बुक कर लो हमारे गौरव जी से और आकाश जी से, इन्होंने टॉकीज बुक किया। आज हम एक बार फिर से इस फिल्म को देखेंगे इन बच्चों के साथ और सीनियर सिटीजन्स के साथ में और रहनाला समाज के साथ। मतलब एक आईएएस है, एमपी के आईएएस न्यास का, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के लोग भी फिल्म देख रहे हैं, एकांत में कहते हैं कि नहीं बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छा सत्य सामने आया, और सार्वजनिक रूप से और कुछ बयान करते हैं। इसको राजनीति से ऊपर उठकर करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये समाज की एक बहुत बड़ी
त्रासदी थी, इसको समझना चाहिए और इस फिल्म बनाने वाले का बनाने वालों का समर्थन। किस तरह का प्रयास होंगे साहब आपसे, उस समय भी लगातार देखिए सरकार ने धारा 370 हटाई है, सरकार ने वहाँ राष्ट्रवाद की लहर बनाई है। मुझे लगता है कि इसका परिणाम आने में थोड़ा समय जरूर लगेगा, क्योंकि 70 साल का नासूर है, इसको ठीक करने में समय लगेगा ही। पर यह बात सही है कि वहाँ के युवा पत्थर फेंकना, वहाँ के युवा पाकिस्तान जिंदाबाद बोलना, वहाँ के युवा ISI के हाथों में खेलने से अब दूर हो गए हैं, वे राष्ट्रवाद की बात करते हैं और देश की मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं। वैसे सामाजिक तौर पर देखें तो फिल्में ही होती हैं जो बदलाव लाती हैं, ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिन पर फिल्में बनानी चाहिए। क्या लगता है बॉलीवुड अभी तक ऐसी फिल्में बनाने में नाकाम रहा है, क्योंकि लंबे समय बाद ये एक ऐसी फिल्म है जिसको लेकर चौर चर्चा हो रही है? देखिए समाज का आईना होता है साहित्य, और साहित्य के अंदर ही आता है फिल्म भी, फिल्म निर्माण भी। साहित्य में विकृति नहीं हो, संस्कृति हो, ये हमारी अपेक्षा है। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।